अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज नए व्लॉग के साथ आप लोग के सामने। अच्छा जनाब, यहाँ पे एक न्यू होटल खुला था, वहाँ पे हम लोग खाना खाने के लिए गए थे। वहाँ से आज मेरे व्लॉग का स्टार्ट होता है। और फर्स्ट टाइम हम इस होटल में गए थे। इस होटल की ओपनिंग अभी थोड़ा वक्त ही हुआ है ये, और बहुत अच्छा माहौल है, जैसे देसी माहौल होता है इस तरीके से, चारपाइयाँ वगैरह लगा के काफ़ी अच्छा खुला माहौल था वहाँ का। तो बाहर से तो बहुत अच्छा लग रहा था, हमने कहा चलो जी आज विजिट किया जाते हैं यहाँ पे और जाके खाना भी खाते हैं और देखते हैं कि अंदर से किस तरीके का बना हुआ है। काफ़ी मज़ा आया। हम लोग थे साथ, मेरी देवरानी थी और सब बच्चे वगैरह गए हुए थे। बहुत अच्छा माहौल बना हुआ था, ठंडी हवा चल रही थी। अच्छा फिर ऊपर जो है, हम लोग पहले ऊपर बैठे हुए थे जाकर, लेकिन फिर ऊपर हम लोग को मच्छर बहुत काट रहा था। फिर हम लोग आ गए नीचे। नीचे इन्होंने देखे यहाँ पर्दे लगा के इतने अच्छे से रूम बनाए हुए हैं अंदर फैमिलीज़ के बैठने के लिए। बहुत अच्छा व्यू था और बाहर चारपाइयाँ लगाई हुई थी और अंदर जो है फैमिली का अलग से इन्होंने बनाया हुआ था। ये जनाब हम लोग आगे जो है पर्दा करके जो है अपना एक पूरा रूम हमने ले लिया था इस तरीके से, और वहाँ पर हम लोग बैठ गए थे पूरी फैमिली। बहुत अच्छा था अंदर से बना हुआ, ऐसा लग रहा था जैसे घर के किसी ड्रैंग अच्छा सा खूबसूरत सा कोई ड्राइंग रूम बना हुआ होता है और वहाँ बैठे हुए थे। बहुत अच्छा माहौल लग रहा था। आसिम तो ये देखें लंबे लेट गए, बहुत अच्छी जगह बनी हुई थी, आराम से रिलैक्स होकर टेक लगा के बैठने की जगह थी। और बीच में इन्होंने लंबा सारा एक दस्तरखान लगाया हुआ था, टेबल लगाया हुआ था, जहाँ पे जो है खाना वाना खा सकते थे। यहाँ जनाब हम लोग, मैं, मेरी देवरानी और बच्चे और मेरे देवर, हम सब खेल रहे थे। पंजू आउट हो गए। चलो और लबार में दो अच्छा जनाब, टाइम पास करने के लिए हमने कहा चलो हम लोग थोड़ा गेम खेल लेते हैं। फिर हमने गेम खेली, इतने में हम लोग का खाना आ गया, क्योंकि होटल में वेट करना बहुत मुश्किल लगता है। तो टाइम पास करने के लिए हम लोगों ने वहाँ पे थोड़ी सी गेम्स वगैरह खेली, और अभी तो काफ़ी टाइम हम लोग लगे रहे, लेकिन मैंने थोड़ी शॉर्टकट वीडियो बनाई कि बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग हो जाएगा, इसीलिए जो है ना आधा मैंने उसमें से पार्ट कट कर दिया था। और फिर जनाब हम लोग का खाना आ गया था और फिर हम लोगों ने खाना खाया है। ये जो है बड़ा सारा एक प्लेटर आ गया था खाना, इनका बहुत टेस्टी था, बहुत मज़े का खाना था। और साथ में जो है हम लोगों ने जो है मटन कढ़ाई मंगवाई थी, प्लेटर मंगवाया था, और मीठे में जो है ना मेरा गजरेला खाने का दिल कर रहा था। ये जनाब मेरी प्लेट है, थोड़ी सी मैंने दिखाई आप लोगों को। चलें जनाब, यहाँ अब हमारा निकलने का टाइम हो गया है। मैं और आसिम थोड़ी सी बाहर वीडियो बना रहे थे, बहुत अच्छी आ रही थी, लाइटिंग बहुत अच्छी थी। अब जी हमें दें इजाज़त। और बस ये था व्लॉग आज का, हम लोग का आउटिंग का प्रोग्राम था, बाहर डिनर करने गए थे, तो मैंने एक छोटा सा व्लॉग आप लोगों के लिए बना लिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ख्वाब हुआ करते हैं, जागती आंखों के भी कुछ ख्वाब हुआ करते हैं। ये जरूरी तो नहीं भाईजान कि हर कोई रोए, कुछ आंखों में भी सैलाब हुआ करते हैं। भाई पे एक शेर सुना रहा हूँ बहुत प्यारा, क्या नाम है नवाब साहब का? फारूक भाई के लिए अर्ज किया है। कहते हैं होंठों पे तबस्सुम, आंखों में सरूर आ जाता है, और फारूक साहब जिसे अपना कह दे उसे अपने पे गरूर आ जाता है। फारूक भाई आप मोहब्बत की दुनिया है, शायद हमें मालूम नहीं। फारूक भाई के आने से सबके चेहरों पे नूर आ जाता है, नूर आ जाता है माशाल्लाह। एक शेर भाई फारूक भाई के लिए, शक्ल से कितने मासूम, फर्रुख भाई को देखो आज भी कुमारे दिखते हैं, जैसे चमक रहे हैं भाई फर्रुख भाई, जैसे काली बद्री में चांद, बैठे हैं जैसे दबंग फिल्म के सलमान खान और शाहरुख खान। से तो आप भी नवाब लगते हैं, अभी तो बादशाह और शहजादे सलीम आपको झुक झुक के सलाम करते हैं, और हम तो देखते ही समझ गए थे आसिम भाई को ये भी भाभी जी के गुलाम लगते हैं। बेटियों के लिए भी सुना रहा हूँ भाजी, कहते हैं नजदीकियाँ बुलंदियाँ भी तुम पर नाश करे, और हम सबकी दुआ है खुदा आप दोनों की उम्र और भी दराज करे। आमीन। ऐसी ऊंचाइयों पे ले जाए बेटा खुदा आप दोनों के नसीब, कि आप दोनों के नसीब पर भी आपका मुकद्दर नाश करे। कहते हैं वो फूल भी क्या फूल हो जिसमें खुशबू ना हो, और वो शाख भी क्या शाख हो जिसमें तितलियाँ ना हो, और वो घर भी क्या घर हो जिनमें जैसी बेटियां ना हो। या बेटी होती ना नवाब साहब को मेरे सरकार का सलाम आ गया, घर की शान बेटी से और यूं ही रहता है ये अरमान बेटी से, और ये जरूरी तो नहीं कि नाम रोशन बेटी से,
और मेरे नबी का खानदान भी चला था बेटी से। सुभान अल्लाह। बच्चों के लिए भी, तीनों भाइयों के लिए सुना रहा, चारों के लिए। आ जाए बेटा, आप भी आ जाए। सलाम नहीं आया नवाब साहब और भाईजान की हाथों से, बादशाहों का इनाम नहीं आया। अल्लाह दस्तर खान वसीले के नवाब साहब बोला आवाज रखे। आयजा दे दो बेटा। शुक्रिया सर। हाँ जी शुक्रिया।